न रोटी न पानी, पाकिस्तान की यही कहानी। भारत ने एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। रिवर रावी का जो वाटर है हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्यों देंगे आपको एक भी दरिया, एक कतरा क्यों देंगे? और इसी टॉपिक पे पाकिस्तानियों के आप मजेदार रिएक्शन निकल के आ रहे हैं, तो चलते बिना किसी देर के। जब वो पूरे कश्मीर को ओन कर चुके हैं कि अब ये हमारा है। और नहीं तो क्या? जानी समय भी हमारा होगा, पिस्तौल भी हमारी होगी, निशाना भी हमारा होगा। क्या बात है। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किसी में कोई दर्द नहीं है। मुल्क में मौसी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासर हो रही है। बारिश तो बंद भी कर देगा ना, हमारे मुल्क में पानी की कमी नहीं होगी। कैसे? अल्लाह है ना हमारा, वो बारिशों से भर देगा हमारे डैम। और ये पूरी हुकूमत है 90s की भी और उसके बाद मुशर्रफ के दौर की भी और जरदारी का दौर और नवाज का दौर, इसमें इन्होंने इंडिया को इजाजत दी कि वो डैम बनाकर हमारे दरियाओं को बंद करे। यही तो कयामत है कि इस वक्त पाकिस्तान गूंगा, बहरा और अंधा हो चुका है। अरे अरे रुको 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 रुको, लूला लंगड़ा भी हो चुका है। पाकिस्तान बड़ा रंगबाज मुल्क है, पाकिस्तान ऐसे ही बन गया। कायदे आजम ने बड़ी गलती कर दी थी पाकिस्तान को बनाकर। ये जिन्ना के पिल्ले, देखो जिन्ना ने इनके लिए मुल्क बनाया था, इनके लिए। अबे जाहिलो, अपने कायदे आजम की तो कदर कर लो। नहीं, जिन्ना के पिल्लों की ये हालत देखने के बाद में मैं आज ये बोल सकता हूँ, लानत है जिन्ना तेरे ऊपर, लानत है पूरे हिंदुस्तान की तरफ से तुझे, लानत है। ये पाकिस्तान गुलाम है, कभी इंडिया को बात मानते हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदे को बात मानते हैं, ये पाकिस्तान है नहीं बस। भाई हिंदुस्तान तो तुम्हारा ऑफिशियल बाप है, लेकिन तुमने और भी बहुत सारे बाप बना रखे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा बाप है मेजर गौरव आर्या। बाबा ए कौम कहते हैं पाकिस्तानी मुझे। हाँ भाई हाँ। और अपने नोटों पे, ठीक है, अपने जो उनके 100-100, 200-200 रुपए के जितने के भी नोट है ना, वहाँ पे जिन्ना की जगह मेरी फोटो लगा रखी है, विश्वास नहीं हो तो देखो। दूसरा बाप है तुम्हारा अमेरिका, तीसरा बाप है तुम्हारा चाइना। हाँ भाई हाँ। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि तुम यूएस की तो रखे लो, सही बात है क्या? बता देना खोपचे में। IMF के पास हमारी ऑक्सीजन है, वो जब चाहते हैं हमें जिंदा करने के लिए उस ऑक्सीजन को चला देते हैं। ये जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो किसी काम में खुश नहीं है। अभी इंडिया ने पानी बंद कर दिया, अभी भी वो कह रहे हैं कि इंडिया ने पानी क्यों बंद कर दिया। जब पहले इंडिया पानी छोड़ता था तब भी कहते थे कि इंडिया ने पानी क्यों छोड़ दिया। हाँ। और एक बात और देखिए आप, ये पाकिस्तानी कितने बड़े हिपोक्रेट है, कितने बड़े हिपोक्रेट है कि आज रावी नदी का पानी रोक दिया ना, तो आज इनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और भारत को कोस रहे हैं। लेकिन हर साल यही पाकिस्तानी भारत को हर साल कोसते हैं कि भारत ने रावी नदी का पानी छोड़ दिया, हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है। हर साल का इन पाकिस्तान का ड्रामा था कि भारत पे आरोप लगाते थे कि भारत ने अपने डैम खोल दिए, हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है रावी नदी के कारण। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसिक का रेला छोड़ दिया। भारत की जानिब से रावी में पानी छोड़ा गया है। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसिक का सिलाबी रेला छोड़ दिया है। अभी आपको बताएं कि भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। जी, दरियाए रावी में भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद इंडिया इसी वजह से देखने को जाता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे। देखे एक हालात पाकिस्तान के, इस तरह से बारिश हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज का और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज का फायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। जी जी सर, इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखे पाकिस्तान में ऑलरेडी आया, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए उन्होंने पानी छोड़े। देखे कोई कसूर इंडिया का कोई कसूर? सर दरिया रावी में पहले पानी क्यों नहीं था? पहले तो बिल्कुल खाली पड़ा रहता था ना। यही बात है, जब वो पानी नहीं देते तब हम कहते हैं इंडिया पानी नहीं दे रहा, ये भी आपको पता है। जी जी ये बात भी है। पानी छोड़ते हम कहते हैं इंडिया की वजह से सैलाब फ्लड। सर इधर यहाँ आके फिर मिसमैनेजमेंट, बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट। अब जब के कश्मीर की पूरी जमीन वो ले चुके हैं, अब वो आए इस बात पर कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। भारत कर क्या देगा लाल टोपे, कर दिया है। वाह मोदी जी वाह। अब तुम पाकिस्तान में बैठ के रुदाली बन जाओ, स्टूडियो में चूड़िया तोड़ो और शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को मिट्टी में घुसेड़ के बैठ जाओ। ना तुम कल कुछ उखाड़ पाए थे, ना आज कुछ उखाड़ पाओगे। और पीछे से लाल टोपी फिर भौंकने लग गया। लाल टोपी रिलैक्स पे डर, रिलैक्स, चिल मारो, चिल, गजवे हिंद की तैयारी करो, अभी तो तुम्हारी वहां भी सुजानी है। और ये वो अब मौका है, दूसरा मौका है कश्मीर अजम करने के बाद कि जब एक कॉज फॉर वॉर बनता है, अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हैं, जो कि कर चुके हैं पहले ही, उन्होंने वहां सैकड़ों डैम बना लिए थे, वायलेट तो वो कर ही रहे थे क्योंकि पाकिस्तान का जो इंडस वाटर कमिश्नर था हमारा जमात अली शाह, जो आजकल कैनेडा में बैठा हुआ, पिछले 15-20 साल में बैठा रहा, और इतने दरिया उसने बंद कर लिए हमारे, जो हमारे हिस्से के दरिया थे जिन पर उसने डैम बनाए, नहरें निकाली, हमारा पानी चोरी करते रहे,
और फिर उन्हीं डैम्स को इस्तेमाल करके ये बरसात में पानी छोड़ते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फिर फ्लड्स आते हैं, बरसात में फ्लड्स और हमारे क्रॉप सीजन में पानी बंद कर देते हैं। ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर पिछले 15-20 साल की गद्दारियों के नतीजे में किया गया कि जमात अली शाह इंडस वाटर कमीशन कमिश्नर हमारा जो इंडिया खरीद के ले गया उसी को खरीद लिया और वो रिटायरमेंट के बाद कनाडा भाग गया एज यूजुअल, जैसे ये गद्दार करते हैं सारे कि माल बनाते हैं और पाकिस्तान को छोड़कर चले जाते हैं। लाल टोपे के मुताबिक अगर कोई काम नहीं होता है तो वो आदमी गद्दार है। ये आदमी पाकिस्तानियों को सर्टिफिकेट बांटता है कि कौन गद्दार है कौन वफादार है। इसके नजरिए में जो फिट हो जाए वो वफादार है, जो इसके नजरिए में फिट ना हो वो गद्दार हो। गद्दार तो तुम्हारी पूरी नस्ल ही है जिसने इस मुल्क के भारत माता के 3 टुकड़े कर दिए। तुम सबसे बड़े गद्दार हो, सबसे बड़े गद्दार, लानती गद्दार हो तुम। और जो हमारे पास रावी का पानी आता था हमेशा करोड़ों का नुकसान हुआ, हमारे पास डैम नहीं थे और वो उस पानी से हमेशा सैलाब आता था और पाकिस्तान की हमेशा नफरत यही थी कि भारत पानी छोड़ता है, भारत पानी छोड़ता है, अब नहीं छोड़ेगा। नफरत भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, तो ये भाई बन जाएगा, अब नहीं छोड़ेगा। अब इस डैम के बाद भाई भाई बनने वाले, भाई भाई बनने वाले हैं, बिल्कुल नुकसान से बचेंगे। रिवर का भी इस्तेमाल हो रहा है, पायलट्स भी बन रहे हैं, गेमर्स भी बन रहे हैं, प्रॉपर्टी भी कट रही है, सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। मेरे ऐसे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा नुकसान है उन किसानों को जो रावी के पानी को इस्तेमाल करके फसलें काश करते थे। उसका कोर हल है वो टोल लगाए ना, टूल्स लगाए नीचे करे, कुछ ज्यादा कोई निजाम बनाए, बोरिंग का काम करें। अच्छा, इंडिया इतना डेवलप कर रहा है और आपको टेंशन ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं? नहीं, हम भी तो हो रहे हैं डेवलप, हम भी तो डेवलप हो। मजाक है क्या? सिर्फ इधर आओ थोड़ा आगे, क्या डेवलपमेंट हो रही है बताओ? हम एंजॉय कर रहे हैं अपना जिंदगी। पाकिस्तान में रह के जिंदगी एंजॉय कर रहे हो? आप रावी के साइड पे किनारे पे जाके देखे तो सही कितने स्लम्स हैं और वो कहते हैं सारे आपके जो वो है लोग बेकारी वगैरह सारे वहीं पे रह रहे हैं। वो पायलट मैं तो कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया, बंद कर दिया, उसकी वजह पानी डरो तहला, हम लोग तो रोटी से भूखे मर गए, तो रोटी खाएंगे तो पानी पियेंगे ना, रोटी नहीं खा रहे पानी कैसे पियेंगे। जो गवर्नमेंट ने हमारी रोटी भी छीन ली है। तोबा, तोबा, तोबा। अच्छा सर, अगर पानी के बात करें, पाकिस्तान को पानी पीने के बहुत मसले मसाइल है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, डैम नहीं है, बिजली नहीं है और जो हमारी एक एग्रीकल्चर लैंड थी वो भी अब हाउसिंग सोसाइटी में चेंज हो रही है। इंडिया की बात करें वहाँ पे पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ सर वो डैम बना रहे हैं, आवाम की जो एनर्जी की ज़रूरियात है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमने इन 77 सालों में आज तक हमारे जो है ना डैम्स बन पाए हैं ना पानी का कोई इस्तेमाल कर पाए हैं और भारत जो है अब तो दरियाए सिंध के पानी पर भी डैम बनाने की बात कर रहे हैं। तेरा क्या होगा कालिया? अच्छा बात आपने बड़ी प्रोफेशनल बात की है, इसका जवाब मैं ये दूंगा कि पाकिस्तान में भी तरक्याती काम हो रहा है, मेरे घर में पानी आ रहा है, मेरे घर के साथ फिल्टर लगा हुआ है। तो ये मसला पंजाब में नहीं, ये इंटीरियर सिंध वाली साइड पर, वहाँ पे होगा भी यही, वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट्स कुछ इस टाइप की हैं, सही है, लोग वहाँ के कुछ इस तरह के हैं, वहाँ पे नहीं इतने पॉसिबल। लाहौर के भी कुछ एरियाज में पानी नहीं आ रहा। कौन से एरिया में नहीं आ रहा? बहुत से अंदरून लाहौर में जाए मसला ही पानी का। भारत ने पाकिस्तान का जो पानी है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, रिवर रावी पर डैम बना दिए और वो जो पानी है उसकी जो जो कहते हैं ना उससे सहूलत जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगी। अच्छी किया है इंडिया ने, अच्छा किया, अच्छा किया। वो कैसे? क्योंकि इंडिया दुश्मन मुल्क है हमारा, वो हम मानते हैं, वो अच्छी किया है। बस पाकिस्तान की वज़ीर आज़म नहीं है, पाकिस्तान की बड़ों ने बड़ा नहीं, तो ये पाकिस्तान गुलाम है, तो पाकिस्तान गुलाम है। जी जी बिल्कुल गुलाम है। इंडिया कह रहा है पाकिस्तान को ये पानी जाता था दरियाए रावी का, ये जाया हो जाता था, ये हमने पानी को जाया होने से बचाया है। पाकिस्तान वाले लायक नहीं ये पानी का, पाकिस्तान इस वाटर के लायक नहीं है, नहीं लायक नहीं, क्योंकि अभी 15-12 दिन हुआ है, अभी तक इलेक्शन हुआ है, अभी तक वज़ीर आज़म नहीं आए हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान गुलाम है, कभी इंडिया को बाद मानते हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा को बात मानते हैं, ये पाकिस्तान है नहीं। बस पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान में इमरान खान है, वो तो अभी तक जेल में है, और नवाज शरीफ और जरदारी क्या है? बस वो पानी बंद किया है, वो बिल्कुल अच्छी किया है, मैं बहुत खुश हूँ। रावी नदी का पानी पहले से भारत था जो ट्रीटी हुई थी उसके अनुसार, फिर भी ये पानी पाकिस्तान में जा रहा था और पाकिस्तान इसका कुछ उपयोग भी नहीं कर रहा था, वो सारा का सारा समंदर में जाके मिल जा रहा था। लेकिन अब रावी नदी का भारत ने रुख मोड़ दिया, वहाँ पे एक डैम बनाया, उस डैम की मदद से भारत इन नदियों का पानी जम्मू कश्मीर और हमारे पंजाब के हिस्सों में भेजेगा जहाँ पे पानी की कमी है।
तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ पाकिस्तानी है ये, चिट भी अपनी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, पुट भी अपनी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और सिक्का इनके बाप का है ही, हमारा तो कुछ है ही नहीं भाई। हम तो भारत जैसी जो कोई सभ्यता कोई संस्कृति इस संसार में थी नहीं। इस संसार में अगर कोई था तो वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान सब कुछ पाकिस्तान का है, नदी उनकी, जम्मू उनका, भारत उनका, मुसलमान उनके, सब कुछ पाकिस्तान का है। भारत जैसा तो कोई मुल्क था ही नहीं। मंदबुद्धि लोग है, मदरसे छाप लोग है, जो मन में आए वही बोले जाते हैं। ना सिर का पता है, ना इनको पैर का पता है, ना सच का पता है, ना झूठ का पता है। जो इनको मनगढ़ंत पढ़ा दिया जाता है, समझा दिया जाता है, तोते की तरह रट लेते हैं और बकर 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 कहीं भी उड़ेल देते हैं। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन आप ही का। आप भी इन पाकिस्तानियों को पहलते हुए जरूर जाइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।